ऐसी एक जगह जो बसती है हम सब के हार्ट में, आओ चलो चले मैजिकल मेलघाट में। What's up, everybody? Welcome back to my YouTube video. This is me, Ashan. You guys are watching Yash Shows. So guys, video का title देख के आपको पता चल गया होगा कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। So this video is gonna be super awesome. So stay tuned and let me introduce to my few friends, few talent people across the Melghat. So first of all, that's Peace Out, yeah. Devin. What is up? That's Abhijit. And that's Vishal Bhaiya, the musician of Dharni. तो सबसे पहले पेट्रोल भरने के बाद हम सेमाडो के लिए निकल गए। So guys, without further delay, let me tell you that today's plan is gonna be like it's already 2 noon. So we are going at Semado and also we'll go at Kolkata if possible. And probably we'll get to see a lot of animals over there. And you know, Melghat mein bhi bahut khatra hai. Wildlife animals are like roaming on roads. So stay tuned. और नजारों का लुत्फ उठाते हुए हम निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की ओर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लेना। फिलहाल जो देख रहे हैं एक हंगार पड़ी हुई सफारी है, पर इसके आगे जो अपन सिमाडो जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सफारी मिलेंगे अपने देखेंगे। सो अभी हम यहाँ पे पानी की कैन लेने के लिए रुके हैं और पानी की कैन लेने के बाद हम सीधा जाएंगे कोलकास। यही वो गांव है हरिसाल जो कि पहला गाँव है डिजिटल इंडिया का। जब डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो यही गाँव है वो हरिसाल, हमारे पूरे भारत का सबसे पहला गाँव जो डिजिटल इंडिया का पात्र बना। सो गाइस, ये है कोलकास के जाने के लिए रास्ता। ये जो सीधा रास्ता है ये परतवा की ओर जाता है और आगे सिमाडो भी लगता है। और यहाँ से अगर अपन ने राइट लिया है तो यहाँ पे है कोलकास जाने का रास्ता। सो अभी अपन कोलकास जाएगा। सो गाइस, हम यहाँ पहुँच तो गए पर अभी पता चला कि मेलघाट पर्यटन जो है वो स्थगित हो चुका है, ठप है। तो उन्होंने एंट्री नहीं दी है। दे आर हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो वी आर लिविंग बैक फ्रॉम हियर फीलिंग वेरी सैड। नहीं बता सकता कितना बुरा लग रहा है। मैंने कि बहुत दिन हो गए मैंने कल कोलकाता नहीं देखा था, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम हियर नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर इट विल रीओपन्स। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर सेमाडो। अपन फाइनली पहुंच चुके हैं सेमाडो पे। मेरे पीछे वो जो देख रहे हो आप नदी के उस साइड पे वो है संकुल। यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है पर आपको मैं वहाँ जाके अच्छे से पूरा क्लियर कट संकुल दिखाऊंगा और पूरा संकुल घुमाऊंगा। वहाँ पे म्यूजियम भी है, म्यूजियम भी बताऊंगा। और यहाँ पे अभी अपनी गाड़ी थोड़ी सी पार्क किया, हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, ठंडा विंडा पियेंगे और उसके बाद में फिर निकलेंगे सीधा संकुल के लिए। स्टे ट्यून्ड। So finally guys, we are here at the square of this Semado. So this is welcome board of Semado and these are some cows coming from forest. This way goes towards the adventure zone. So we are at here at Tina Gharguti Bhojanalay, and as one of my friends suggested me that over here we will get a best lapeta. I will gonna tell you what lapeta is after a while, but just let me show you that what we ordered. Can say Zumka Bhakar. दोपहर के 4 बज चुके होंगे। मैं भूख बहुत जोरों की लग चुकी थी।
तो गाइस यहाँ पे हमारे लपेटा जो डिश है वो आ चुकी है एंड वी आर अबाउट टू हैव इट। सो विशाल भैया आप टेस्ट करके बताइए कि कैसे लगी फर्स्ट टेस्ट। जो भी रिजल्ट रहेंगे वो सीरियसली हाँ हाँ ऑनेस्टली बताइए। रियली गुड ओके गाइस यू मे गो ऑन। सो ये है अपना लपेटा। How is it? Kharas. Kharas ka? Okay, I should try it then. Yeah, it's really good. ये लपेटा मैंने पहली बार खा रहा हूँ अपने लाइफ में। फार छान जीवन झाला आम्हाला म्हणजे ते खूप आवडलं। पिटला हाँ लपेटा खूप खूप छान एकदम म्हणजे आम्हाला सुद्धा बरं वाटलं की आम्ही म्हणजे आमच्या चॅनलवर तुमचा हा जो व्हिडिओ प्रमोट करतोय तो फेकली नाही करतोय जे ऑनेस्ट रिव्ह्यू आहे ते खरंच खूप छान झालं तुमचं। सो गाइस फायनली हम अभी जा रहे हैं संकुल की तरफ म्यूजियम की तरफ। सो ये जो रास्ता है ये छोटा सा ब्रिज है बट जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है मीन्स लाइक अराउंड 3 से 4 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो वो पूरा जो ब्रिज है वो पानी से सबमर्ज हुआ था। तो अभी हम जाते हैं वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ मैं म्यूजियम वहाँ का। तो चलो। सो अभी विशाल भैया और जो देवेन है वो थोड़ा सा उनके पर्सनल काम के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं तो वो थोड़ी देर के बाद जाएंगे। तब तक कि हम थोड़ा जो संकुल है जो म्यूजियम है तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे देखो ब्लैक बफेलो ब्लैक बफेलो पानी में मज़े लेते हुए। सीमाडो में बसा हुआ ये म्यूजियम आपको जंगल सफारी तो ले ही जाता है पर और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है यहाँ के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में। हग करना। सो बिहाइंड मी इट इज़ अ प्लेस विच यूज टू बी अ म्यूजियम। द पीपल्स हु आर वर्किंग हियर आर प्रोवाइडिंग हेल्पिंग हैंड टू द आदिवासीज द ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग हियर एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ सम एडवेंचर पार्क। कितनी खूबसूरत है ना ये जगह हरियाली से भरी हुई। वाओ यू क्लाइम्ड सो फार मैन। ओके से सब्सक्राइब यशोब्स। प्लीज सब्सक्राइब। अरे लुक हियर से सब्सक्राइब यशोब्स। प्लीज सब्सक्राइब यशोब। ओके थैंक्स। ओके यू गाइस शुड बी रियली वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग सच एडवेंचर स्पोर्ट्स। शाम होने पे आ गए थे हमें वापस घर भी निकलना था तो थोड़ा बहुत म्यूजियम देखने के बाद और एडवेंचर एंजॉय करने के बाद हम हमारे घर के लिए निकलने के लिए रेडी हो गए। And this shows a very beautiful message. Milkhat Tiger Reserve, आपका घर मेरा घर। चुनिए मर्जी है आपकी आखिर रहना है आपको। This roadways gets closed once it's been 6. So it opens at morning 6 and closes at evening 6. So that like no one should get harmed in this dense forest. तो चलो फिलहाल के लिए बाय। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।